नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी वाणी शो के बॉलीवुड एडिशन में, जहां पर हम बात करेंगे लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज़ और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स की। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, किसी फिल्म के हाइप को बढ़ाने के लिए आजकल क्रिएटर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, और जब एक क्रिएटर अपनी फिल्में फॉर एग्जाम्पल थलापति 67, RC15, SSMB 29 और या फिर सूर्या 42 जैसी फिल्मों की बार बार बात करता है, तो मार्केट में एक अलग तरह की हाइप बननी शुरू हो जाती है और ऑडियंस के बीच उस फिल्म की अवेयरनेस भी बढ़ती है। ऐसे में हमारा ये इनिशिएटिव शायद बॉलीवुड मूवीज और वेब सीरीज के लिए एक छोटी सी हाइप पैदा करने में कारगर साबित हो। बहरहाल, वीडियो की शुरुआत करते हैं आमिर खान की फिल्म से। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा पिछले दिनों बुरी तरह से पिटी थी और ट्रेड पंडित इस फिल्म के रिजल्ट को देखकर अपना सर पकड़ चुके थे। दोस्तों, आमिर खान की किसी फिल्म का बीते दो दशकों में इस तरह से हश्र नहीं हुआ और ना ही उनकी किसी फिल्म को इतना आउटक्लैश झेलना पड़ा। इसके बाद रिपोर्ट ये निकल कर आई कि आमिर खान कुछ समय का ब्रेक लेंगे और अब फिलहाल लगभग एक सालों के बाद आमिर खान के नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेकर मार्केट में सुरसुरी बढ़नी शुरू हो चुकी है। ऐसे में दो फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा लीक्स निकल कर आ रही हैं, एक है गजनी 2 और दूसरी है 3 Idiots का सीक्वल। दोस्तों, सोर्सेस की माने तो आमिर खान की अगली फिल्म को रिलीज होने में अभी 1.5 से 2 साल का समय लग जाएगा, यानी कि इन टोटल आमिर खान 3 सालों के बाद अपना कमबैक कर रहे होंगे और इसके लिए आमिर खान अपनी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से तगड़ा कमबैक करना चाहते हैं। दोस्तों, रिसेंटली आमिर खान हैदराबाद पहुंचे, जहां पर अल्लू अर्जुन की गाड़ी उन्हें पिकअप करने आई। अल्लू अर्जुन के फादर अल्लू अरविंद ने आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म गजनी को प्रोड्यूस किया था और रिपोर्ट्स की माने तो यहां पर गजनी 2 के रिगार्डिंग मीटिंग की गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आमिर खान, आर माधवन और सरमन जोशी की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 3 Idiots के सीक्वल पर काम चल रहा है। इवन करीना कपूर खान, बमन ईरानी और जावेद जाफरी ने भी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जो साफ तौर पर 3 Idiots के सीक्वल की ओर इशारा था। इस चीज की ऑफिशियल कंफर्मेशन तो फिलहाल कुछ नहीं है, मगर हाँ, ट्रेड में 3 Idiots के सीक्वल को लेकर काफी खबरें चल रही हैं। अगर सब कुछ ठीक बैठता है तो आमिर खान या तो राजकुमार हिरानी के साथ या तो गजनी 2 के साथ अपना तगड़ा कमबैक करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मिर्जापुर 3 की। दोस्तों, मिर्जापुर एक ऐसी सीरीज निकल कर आई थी जिसने इंडियन ऑडियंस को वेब सीरीज का चस्का लगाया था। इसके सीजन 1 को कल्ट फॉलोइंग मिली थी और शायद यही वजह थी कि सीजन 2 के मीडियोकर होने के बावजूद भी इस सीरीज के थर्ड सीजन का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आपको बता दूं, मिर्जापुर 3 की शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर आ चुकी है और बहुत ही जल्द इसके पोस्ट प्रोडक्शन पर काम चलेगा और इसके बाद मेकर्स इस फिल्म का हैवी प्रमोशन करेंगे। मेकर्स मिर्जापुर 3 के स्केल को हाई कर रहे हैं और वो इसे गेम्स ऑफ थ्रोन और मनी हाइस्ट के लेवल पर प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये वेब सीरीज आपको इस साल के अंत तक देखने को मिल जाएगी। मुन्ना भैया इस सीरीज में जिंदा हैं और इसके मेरे ऑब्वियसली अलग कुछ रीजंस हैं। बाकी बात करें तो एज प्रीवियस पॉइंट, यहां पर बिहार के बाहुबली दद्दा त्यागी वर्सेस गोलू गुप्ता एंड टीम वर्सेस कालीन भैया और यूपी के सेम वाला एंगल तो देखने को मिलेगा ही। बाकी शरद शुक्ला भी हैं आस्तीन के सांप के रोल में। नेक्स्ट बात करते हैं सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 की। दोस्तों, सलमान खान की अपकमिंग फिल्म है भाईजान, एंड टू बी ऑनेस्ट, में सलमान खान की भाईजान से ज्यादा उनकी टाइगर 3 के लिए एक्साइटेड हूँ। ये एक ऐसे काइंड ऑफ फिल्म है जो सलमान खान के स्टारडम को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करती है और साथ ही साथ ये यशराज के स्पाई यूनिवर्स का भी हिस्सा है, जिसकी पिछली फिल्म पठान ने 1000 करोड़ की कमाई करी थी। ये फिल्म उसी फिल्म की लेगेसी को आगे बढ़ाएगी और ये फिल्म भी तगड़ी कमाई करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर अपने सलमान खान और शाहरुख खान अगेन एक साथ नजर आने वाले हैं। दोस्तों, पठान में सलमान खान की एंट्री फिल्म का वन ऑफ द पीक पॉइंट था। ऐसे में टाइगर 3 में शाहरुख खान की एंट्री भी दर्शकों के एक्साइटमेंट को इनहेंस करने का काम करेगी। रिपोर्ट्स की माने तो यशराज स्टूडियोज में एक बड़ा सेट बनाया जा रहा है, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान के एक्शन सीक्वेंसेस को शूट किया जाएगा। इस सेट को बनने में लगभग अभी 45 दिन का समय लगेगा और तब तक सलमान खान भी खुद को भाईजान फिल्म से फ्री कर लेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो मोस्ट प्रोबेबली ये जेल को तोड़ने वाला सीक्वेंस होगा, जहां पर सलमान खान और शाहरुख खान, ये दोनों सुपरस्टार इंडियन बॉडी बिल्डर यतिंदर सिंह गुमान से लड़ते हुए नजर आएंगे। जहां पर पठान फिल्म में इन दोनों के कॉमिक एंगल को दिखाया गया था, यहां पर ये सीक्वेंस थोड़ा सा इंटेंस होने वाला है। बात करते हैं लव टुडे के हिंदी रीमेक की। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से काफी लंबे समय से जुड़े हैं तो आपको हमने एक रिसेंटली वीडियो में लव टुडे फिल्म के बारे में बताया था कि 2022 की एक लो बजट रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसमें प्रदीप रंगनाथन लीड रोल में नजर आए थे और इन्होंने ही इस फिल्म की कहानी और डायरेक्शन भी किया था। महज 5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ की कमाई करके दिखाई और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। ये फिल्म अपने स्टोरी डिपार्टमेंट में कहीं बाजी मारती है, सिंपल होते हुए भी इम्पैक्ट डालती है। एक लड़का है, लड़की है, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और पिता के पास रजामंदी के लिए पहुंचते हैं। पिता लड़का और लड़की दोनों के मोबाइल को एक्सचेंज कर देता है। इसके बाद वो ड्रामा क्रिएट होता है कि प्यार का असली डेफिनेशन सामने आ जाती है। दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो इसी फिल्म के हिंदी रीमेक से आमिर खान के बेटे जुनैद खान और जानवी कपूर की छोटी बहन खुशी कपूर डेब्यू करने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टर दिनेश विजन के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की। दोस्तों, इंडिया में ये यूनिवर्स भी धीरे धीरे अपना बड़ा रूप लेता जा रहा है। स्त्री और रुई के बाद रिसेंटली रिलीज हुई कमर्शियली सक्सेसफुल और क्रिटिकली अक्लेम भेड़िया के बाद अब इनकी अगली फिल्म है स्त्री 2।
और रिपोर्ट्स की माने तो स्त्री 2 में वरुण धवन का एक एक्सटेंडेड कैमियो होने वाला है जो स्त्री 2 में फन एलिमेंट को बढ़ाने का काम करेगा। इसके अलावा इस यूनिवर्स के अंतर्गत मुंजा, वेम्पायर, सुनहरी सुनहरा, राजस्थानी रानी और रूही रिटर्न जैसी फिल्में भी आने वाली हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दंगल फिल्म डायरेक्टर नितेश तिवारी की अगली फिल्म की। दोस्तों नितेश तिवारी वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने छिछोरे और दंगल जैसी हाईली सक्सेसफुल फिल्में बनाई हैं और इनकी अपकमिंग फिल्म की नई रिलीज डेट सामने आ चुकी है। दोस्तों इनकी अगली फिल्म का नाम है बवाल, जिसमें वरुण धवन लीड रोल में नजर आने वाले हैं और फिल्म का जॉनर है रोमांटिक ड्रामा। ये फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को रिलीज होने वाली है। चूंकि डायरेक्टर के तौर पर नितेश तिवारी सर का नाम जुड़ा है, इसलिए हम इस फिल्म से डेफिनेटली कुछ उम्मीद तो कर ही सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, रिसेंटली मेरे शहर कानपुर में इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और अपने पुलिस अंकल ने वरुण धवन साहब का चालान कर दिया क्योंकि इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं अक्षय कुमार की। दोस्तों रिसेंटली अक्षय कुमार से रिलेटेड दो लीक्स निकलकर सामने आई। पहला तो ये बिपराग के एक म्यूजिक एल्बम में अगेन काम करने वाले हैं। फिलहाल और फिलहाल 2 के बाद अक्षय कुमार का बिपराग के साथ ये थर्ड कोलैबोरेशन होगा, जहां पर अक्षय कुमार के अपोजिट एक्ट्रेस नेहा शर्मा नजर आने वाली हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, इस समय अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग स्कॉटलैंड में जोरों से चल रही है और रिसेंटली एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान अक्षय कुमार को मेजर इंजरी आ गई, मगर इसके बावजूद अक्षय कुमार ने फिल्म की शूटिंग को जारी रखा। हालांकि यहां पर क्लोजअप शॉट्स को अवॉइड किया गया। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अली अब्बास जफर, जिन्होंने इससे पहले सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी हाईली सक्सेसफुल फिल्में बनाई हैं, इसलिए उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे अक्षय कुमार को डेफिनेटली एक तगड़ा कमबैक देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अजय देवगन सर की। दोस्तों अजय देवगन इन दिनों अपनी फिल्म भोला को लेकर काफी व्यस्त हैं, जो फिलहाल 30 मार्च को डायरेक्ट थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। इसके बाद अजय देवगन नीरज पांडे की फिल्म को ज्वाइन करेंगे, जिसका टाइटल है औरों में कहां दम था। इस फिल्म के सेकंड शेड्यूल की शूटिंग अप्रैल में स्टार्ट होनी है। इस फिल्म में अजय देवगन के अपोजिट तब्बू नजर आएंगी और फिल्म के टाइटल को अजय देवगन की फेमस 90s के डायलॉग से लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं संजय लीला भंसाली सर की। दोस्तों संजय लीला भंसाली इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स में से एक हैं और पहले ही रिपोर्ट्स निकलकर आ रही थी कि अपने अगले प्रोजेक्ट में 1952 के बैजू बावरा को रणवीर सिंह के साथ रीमेक करने वाले हैं, मगर लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और अब ये इंसा अल्लाह नाम के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जिसमें सलमान खान या फिर शाहरुख खान को कास्ट करने की बात सामने आई है। असली बात करते हैं सुनील शेट्टी सर की। दोस्तों सुनील शेट्टी के लिए OTT प्लेटफॉर्म काफी लकी साबित हो रहा है और ये बैक टू बैक कई प्रोजेक्ट में लीड रोल में नजर आ रहे हैं। धारावी के बाद इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हंटर, जहां पर ये लीड रोल में नजर आए हैं और यहां पर अपने सुनील शेट्टी सर का वही 90s वाला एक्शन पैक्ड अवतार देखने को मिला है। तो दोस्तों ये रहा हमारा #FV1, जहां पर हमने बॉलीवुड टॉपिक्स को कवर किया है। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।